तो हे गाइस, आज है हमारे पास में Redmi Note 12 Pro Plus। और गाइस, इसके मैं आपको हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, जैसे कि गाइस आप अपने फ़ोन को और भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हिडन फीचर्स के साथ साथ में अभी आप देखेंगे जो रिंग लाइट है कैमरे के ऊपर में, आप इसे किसी भी एप्लीकेशन को ओपन भी कर लेते हैं तो ये जो लाइट है ना वो बंद नहीं होने वाली है। तो इस तरह से ये जो लाइट है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और भी आपको मैं फीचर्स बताने वाला हूँ हिडन फीचर्स, इन सबको आप यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो वगैरह और जो लॉक स्क्रीन में वॉलपेपर होता है आप उसे अलग अलग कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस, यहां पर YouTube में आप कोई गाना वगैरह सुनते हैं ज्यादा, तो गाइस यहां पर एक फीचर्स काफी कमाल का है, जैसे कि बैकग्राउंड में आप म्यूजिक सुन सकते हैं अपने फोन को बंद करके। यहां पर आप देखेंगे साउंड वाले एक ऑप्शन मिल जाता है साइड बार में, अब इसे आप क्लिक कर दीजिएगा, इसके बाद इसको टर्न ऑन कर देना और इसके बाद में आपका काम हो गया है, आपका फोन बंद हो जाएगा और यहां से जो म्यूजिक है वो चल रहेगी, अभी आप सुन सकते हैं। और गाइस, ये वाला फीचर्स ना काफी कमाल का है, ये आपको प्रीमियम का फीचर्स यहां पर मिल जाता है YouTube वाला। अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं, यहां पर आपको फ्लोटिंग विंडो मिल जाती है। तो गाइस, ये फ्लोटिंग विंडो काफी कमाल की है, किसी एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं और उसी टाइम में आपको एक और एप्लीकेशन चलाना है, तो देखो यहां पर आपको फ्लोटिंग विंडो ऊपर साइड में मिलता है, आप यहां पर एक एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन। अब यहां से आप देखो आप एक एप्लीकेशन चलाएंगे और ये फ्लोटिंग विंडो को आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, इस तरह से आप और छोटा हो जाएगा ये कोने में, और आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसे बंद भी कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे दो फीचर्स, और इसके बाद में ऐप लॉक का आपको एक और फीचर्स मिल जाता है। यदि आप किसी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं और कोई प्राइवेट वाला ऐप है आपका, तो यहां पर आप ऐप लॉक में आएगा, सेटिंग में आने के बाद में यहां से आप ऐप लॉक को टर्न ऑन कर लेना और आपका जो भी पासवर्ड वगैरह रहेगा वो आप यहां से डाल दीजिएगा, इसके बाद में आपका काम हो गया है। आपको यहां पर एओडी में बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, इसके लिए आपको सेटिंग में आना है और यहां पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं इसे आप ऑन कर लीजिएगा। अब यहां पर आपको भर के ऑप्शन मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के, यहां पर आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, और यहां पर आप अपना नाम वगैरह भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, यहां से अप्लाई कर लीजिएगा। और यहां पर ये अप्लाई हो चुका है, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से ये एओडी काम करता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो आपके इससे बैटरी भी बचती है। इसके बाद में देखेंगे आप बंद फोन कैमरा ओपन करना है आपको, मतलब कि आपका फोन बंद है और आपको कैमरा ओपन करना है कुछ इस तरह से, तो ये काफी क्विकली आपका कैमरा ओपन हो जाता है, इसकी जगह में आप कोई भी एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में आना है, एडिशनल सेटिंग में आ जाइएगा आप, और यहाँ पर आप देखेंगे जेस्चर शॉर्टकट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। लॉन्च कैमरा में आपको देखो दो ऑप्शन मिलते हैं, ये मेरा मैंने ये नीचे वाला चालू करके रखा है, आप इसे ऊपर वाला भी चालू कर सकते हैं, ये पावर बटन में ये चालू हो जाएगा आप डबल क्लिक करते हैं तो। इसके बाद में आप कोई भी एप्लीकेशन को डबल यूज करना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया या फिर इंस्टाग्राम को डबल यूज करना चाहते हैं, क्लोन ऐप करना चाहते हैं, तो आपको सेटिंग में ही आना है और यहाँ पर आपको डबल ऐप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं, आपको जिस भी एप्लीकेशन को डबल यूज करना है, डबल चलाना है, तो आप यहाँ से और से ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में आप देखेंगे डुअल टैप फिंगरप्रिंट का एक आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जैसे कि डुअल टैप करेंगे फिंगरप्रिंट में तो आपका कैलकुलेटर ओपन हुआ है, मेरा भी मैंने सेट करके रखा है। सो गाइस, इसके लिए आपको सिंपली अपने फोन के सेटिंग में आना है, इस तरह से सेटिंग में आ जाइएगा, एडिशनल सेटिंग में आ जाना है, इसके बाद में आप देखेंगे जेस्चर शॉर्टकट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डुअल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर ये ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं, डबल फिंगरप्रिंट को आप टच करेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, कैलकुलेटर या फिर आप साइलेंट मोड में डालना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, बंद करेंगे तो ये नॉन करेंगे तो बंद हो जाएगा। इसके बाद में देखो आपके फ़ोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहता है, मगर ये इसे आपको चालू करना पड़ेगा सेटिंग में जाने के बाद में। डिस्प्ले में आएंगे आप और यहाँ पर नीचे आने के बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिफ्रेश रेट वाला, अब ये पहले से डिफ़ॉल्ट में रहता है 60 हर्ट्ज में, आपको 120 हर्ट्ज करना पड़ेगा इसमें, और इसके बाद में आपके जो स्मूथनेस है ना डिस्प्ले की वो काफ़ी ज़्यादा आपकी रिफ्रेश हो रेट बढ़ जाता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस तरह से स्क्रोलिंग वगैरह। अब देखो इसमें ना नोटिफिकेशन एजेस लाइट मिल जाती हैं बहुत सारी, जैसे कि ओप्पो के फ़ोन में मिलती हैं वैसे आपको रेडमी में भी मिल जाती हैं, इसके लिए सेटिंग में आना है आपको, सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, इसके बाद में नोटिफिकेशन इफेक्ट, अब देखो यहाँ पर आपको भर के कलर मिल जाते हैं और
यहाँ पर जो स्टार लाइट वाला है ये तो मुझे पसंद आया था पर्सनली, आपको जो भी पसंद आता है आप रख लीजिएगा। अभी ये नोटिफिकेशन आएगी तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन एज लाइटिंग चलने वाली है। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक ऑप्शन मिलता है आपको लॉक स्क्रीन में, जो वॉलपेपर है बार बार बदलता रहता है, आप जितने बार भी अनलॉक और लॉक करेंगे अपने फोन को आपका जो वॉलपेपर है बदल बदल के आने वाला है। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, आप यहां पर नीचे आएंगे स्क्रॉल करने के बाद में ग्लेंस फॉर MI। अब ये ग्लेंस आपके में बंद रहेगा, आप इसे चालू कर लीजिएगा और इसके बाद में आप जिस भी स्पोर्ट वगैरह या फिर जो भी करना चाहते हैं यहां सेलेक्ट कर लेना, आपके अलग अलग वॉलपेपर आने वाले हैं लॉक स्क्रीन में। अब देखो जो हमारी रिंग लाइट देखने को मिल रही है ना ऊपर साइड में, जो फ्रंट कैमरे में लाइट देखने को मिल रही है, आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो यार, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है रिंग रिंग ऐप। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप इसे क्रोम ब्राउजर में भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं रिंग रिंग ऐप करके। तो गाइस ये एप्लीकेशन काफी कमाल का है, आप इसे इंस्टॉल कर लेना, इसके बाद की प्रोसेस मैं आगे आपको बताता हूं। आप इसे सिंपली क्लिक करिएगा और आप इसे कस्टमाइज कर लेना, ऊपर साइड में आपको ये बटन दिखेगी, इसे ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो रिंग लाइट है वो आ चुकी है। इसका आप कलर वगैरह चालू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप इसे लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं और जो बैटरी परसेंटेज के हिसाब से इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज भी आप कर सकते हैं। इतने सारे आपको कस्टमाइजेशन इसमें मिल जाते हैं। सो गाइस यार, इस वाले एप्लीकेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस अब आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन शॉट वाला, आप 3 फिंगर से भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अपनी स्क्रीन शॉट, और आप यहाँ से इस तरह से प्रेस करेंगे पावर और वॉल्यूम बटन तो ये निकल जाती है। अब ये पहले से आपकी चालू नहीं रहेगी, आपको इसे चालू करना पड़ेगा सेटिंग में जाने के बाद में। तो सेटिंग में आइएगा आप और सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एडिशनल सेटिंग मिलेगी, यहाँ पर जेस्चर शॉर्टकट का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर टेक और स्क्रीन शॉट का ऑप्शन है, यहाँ पर ये दोनों बंद रहेंगे आपके पहले से, आप इसे चालू कर लीजिएगा। डुअल टैप टू बैकअप वाला एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपका फोन बंद है या फिर चालू है और डबल टैप करेंगे आप इस तरह से तो जो आपका फोन है अनलॉक हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसे आपको इनेबल करने के लिए अपने फोन की सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद में एक फीचर्स मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, अब इसमें आप क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे डुअल टैप टू बैकअप टर्न ऑन ऑफ वाला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से, तो इसे आप ऑन कर लीजिएगा। सो गाइस स्टेटस बार आपको मिलता है यहाँ पर नया वाला, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, आपको यहाँ पर इसे बदलना है, आपको पुराना वाला लाना है स्टेटस बार, ये वाला आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको देखेंगे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर, यहाँ पर आप इसे चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो ये जो पुराना वाला है हमारा मिल जाएगा। अब आप देखेंगे पुराना वाला हमारा यहाँ से शो होने वाला है, शो होने लगा है। अब यहाँ पर आपको वन हैंड मोड मिल जाता है, वन हैंड मोड मतलब कि एक हाथ से आप अपने फोन को चला सकते हैं कुछ इस तरह से, तो इसको ऑन करने के लिए सेटिंग में आइएगा आप। सेटिंग में आने के बाद में आपको एडिशनल सेटिंग में आना है और यहाँ पर आप देखेंगे वन हैंड मोड आपको मिल जाता है। अब इसमें आप ये पहले से बंद रहेगा, इसे ऑन कर लीजिएगा, इसके बाद में आप इस तरह से करेंगे तो आपका फोन वन हैंड में आ जाएगा। अगले फीचर्स देखो यार, वाईफाई और आप हॉटस्पॉट दोनों चला सकते हैं अपने स्टेटस बार में आइएगा, आप वाईफाई भी चालू कर लेना यहाँ से कुछ इस तरह से, और आप हॉटस्पॉट भी देना चाहते हैं किसी को वाईफाई लेने के बाद में तो आप दोनों को एक साथ में ही यूज कर सकते हैं, हॉटस्पॉट को भी और वाईफाई को भी, और वाईफाई को और हॉटस्पॉट को दोनों को एक साथ में ही। गाइस देखो स्पीड KB और MB में जो ऊपर साइड में स्टेटस बार में आपको बताता है ना, उसके लिए सेटिंग में आना पड़ेगा आपको और यहाँ पर नोटिफिकेशन में आइएगा, नीचे आएंगे आप, नीचे स्टेटस बार का ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे आने के बाद में देख सकते हैं आप एक ऑप्शन मिल जाएगा शो कनेक्शन स्पीड, मतलब कि आपका जो डाटा है कितने स्पीड से चल रहा है वो आपको सारा स्टेटस बार में दिखाने वाला है, इसे आप चालू कर लेते हैं। तो अगले फीचर से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप प्रेस करके रखिएगा कुछ इस तरह से ये निकल के आ जाता है, इसका जो आप रेजुलेशन वगैरह सेट कर सकते हैं, आप इसे फुल HD में भी कर सकते हैं और आप इसे वॉइस वगैरह मतलब कि रिकॉर्डिंग किस टाइप से चाहिए माइक वगैरह वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और आप देखो इस तरह से आप बहुत आसानी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो जो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो सेव हो जाएगी यहाँ से। अब देखो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो लंबी ना हो करके हमने ज्यादा फीचर्स नहीं बताया है, आप कमेंट करिएगा नेक्स्ट पार्ट इसका हम लेके आएंगे, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।